कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाई गई है और शहर में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिला। शहर में केवल केमिस्ट और राशन जैसी जरूरी चीजों की दुकानें ही खुली थी, बाकी सारी दुकानें बंद थी और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी ना के बराबर थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सड़कों पर जिन लोगों की आवाजाही थी उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस द्वारा पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर नाके लगाए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी इमरजेंसी कार्यवश कहीं जाना होता था तो पुलिस उसे नहीं रोक रही, लेकिन जो लोग बिना किसी वजह के सड़कों पर तफरी मार रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जिनके चालान भी काटे गए और कई गाड़ियां तक पुलिस द्वारा जब्त की गई। हाँ जी, जो अगर वैसे घूम रहे विदाउट परमिशन विदाउट एनी मेडिसिन उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, गाड़ी इंपाउंड कर रहे हैं और चालान कर रहे हैं। अगर ज्यादा सख्ती करें पर्चा दर्ज करेंगे इनके खिलाफ। लोगों से बात करने के बाद और उनसे कोरोना की इस महामारी पर बाहर ना निकलने की बात कही तो उन लोगों ने कैमरों पर आकर माफी मांगी और कहा कि वे आगे से बाहर नहीं निकलेंगे। लॉकडाउन चंडीगढ़ में नहीं है, पंजाब में था ना सर। मैं तो यहाँ भी है, बस यहाँ भी वीकेंड है, यहाँ पे तो सर बस अब घर ही जा रहे हैं सर, बस ये लेने मानते हैं आप गलती कर रहे हैं। यस सर, डेफिनेटली चंडीगढ़ पुलिस तो हमारे एक नंबर में, और आप गलती कर रहे हैं सर। मैं ये अंदर रहते बोर्डर करके जाना चलना। डॉक्टर आप कोरोना में घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं डॉक्टर जब देख नहीं रहे हैं, डॉक्टर तो पता नहीं, मैंने भी नहीं पता देख रहे प्राइवेट हो हाँ जी, चाहे प्राइवेट हो मैंने पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, पर उससे चल रहे हैं देखो। आप गलती मानते हैं अपनी? हाँ जी हाँ जी, गलती तो मानने पर मैं काम से आया हूँ, कोई नजायज नहीं घूम रहा। नहीं फिर गाड़ी बॉन्ड क्यों हुई आपकी? सर मैं मेरे पास परमिशन नहीं है, पर मैं गलती नहीं, मैं मान रहा हूँ अपने। फिर गलती तो है ना। गौरतलब है देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।